और आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल एप्लीकेशन है उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन बीजेपी नेता मनोज तिवारी का। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट करना मनीष सिसोदिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।